नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ स्कूल रोहतक की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली हुई है अप्रेंटिस की, वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे। ये देख सकते हो पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड रोहतक की तरफ से, ठीक है जी। UHSR ITI अप्रेंटिसशिप है जी पोर्टल, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। इस सिर्फ ITI वालों के लिए अप्रेंटिसशिप का ऑप्शन खुला हुआ है, जो कि 1 फरवरी से अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं और 11 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। कितनी है जी? 11 फरवरी इसकी लास्ट डेट है और इसकी कोई भी फीस नहीं है किसी भी कैंडिडेट के लिए, सारे का सारा ऑनलाइन मोड में फिलअप होगा। बात कर लेते हैं 10वीं के साथ ITI की हूँ, जिस ITI ट्रेड के रिगार्डिंग ये पोस्ट खुली हुई है, और एज की बात कर लेते हैं 14 से 42 साल एज मंगी हुई है, टेंटेटिव यानी कि संभावित। 14 साल तो मिनिमम है, उसके साथ 42 साल ज़्यादा से ज़्यादा, और 76 पोस्टें हैं टोटल में, 76 पोस्टें हैं जी। कंप्यूटर कोपा की 17 पोस्टें खुली हुई हैं, इसमें स्टेनो इंग्लिश की 13 पोस्टें हैं जी। कारपेंटर की 2 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिकल की 5 पोस्टें हैं, MTL फिजियोथेरेपी की 10 पोस्टें हैं, वेल्डर की 3 पोस्टें हैं, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर यानी कि HSI की 5 पोस्टें हैं, रेफ्रिजरेटर एंड AC की 6 पोस्टें हैं जी, टेलर के लिए 5 पोस्टें हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 6 पोस्टें हैं, फिटर की 1 पोस्ट है। आई होप सो भी आपको इतना तो समझ आ गया, ये अप्रेंटिस है सिर्फ ITI वालों के लिए। जिनकी ITI इन ट्रेड्स में है वो अपने हिसाब से ये पोस्टें देख सकते हो। मेन बात कर लेते हैं अप्लाई करने का, पहले अपन नोटिफिकेशन देख लेते हैं फिर अप्लाई का पैटर्न समझ लेंगे भी आपने अप्लाई कैसे करना है। ये एडवर्टाइज देख सकते हो पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से, जब UHSR की साइट अप्लाई फिलअप करोगे तो यहाँ पर आपको जॉब के रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन पहले भी मैंने खोल रखा था बट आपको पूरी पूरी डिटेल खोल कर दिखा रहे हैं, ठीक है जी। ये ऑफिशियली वेबसाइट पे मैंने खोला, दोबारा आपको दिखा देते हैं। ये साइट का ऊपर नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन पर आपने क्लिक करना है तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि मैंने डिटेलें बताई हैं। 17 पोस्टें कोपा में, जनरल की 11 पोस्टें, SC की 3 हैं, BCA की 2 हैं, BCB की 1 है, स्टेनो की अप्रेंटिसशिप की जनरल की 8 पोस्टें हैं, SC की 2 हैं, BCA की 2 हैं, BCB की 1 पोस्ट है, और अप्रेंटिसशिप कारपेंटर की 2 पोस्टें जनरल की, ठीक है, पेंटर के लिए 3 पोस्टें जनरल की, इलेक्ट्रिशियन के लिए 4 पोस्टें जनरल की, 1 पोस्ट SC की, MTL फिजियोथेरेपी की 10 पोस्टें जिसमें से 6 जनरल की हैं, 2 SC की हैं, 1 AC की, BCA की और 1 BCB की। उसके बाद अप्रेंटिसशिप वेल्डर की 3 पोस्टें हैं जी, HSI यानी कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की 5 पोस्टें जिसमें 4 जनरल की, 1 SC की, रेफ्रिजरेटर एंड AC वालों के लिए 6 पोस्टें जिसमें जनरल की 4 हैं, SC की 1, BCA की 1, टेलर की अप्रेंटिसशिप की 5 पोस्टें जिसमें जनरल की 4 पोस्टें हैं, SC की 1 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक में 4 पोस्टें जनरल की हैं, SC की 1, BCA की 1 यानी कि 6 पोस्टें, अप्रेंटिसशिप फिटर में फिटर के वालों के लिए जनरल की 1 पोस्ट है। ये आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। लास्ट आपकी डेट अप्लाई की, क्लोजिंग की डेट, अप्लाई की डेट 1 फरवरी यानी कि कल से शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट इसकी 11 फरवरी है। 11 फरवरी से पहले पहले आप अप्लाई कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। ये अप्लाई करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, बाकी आपको पता ही होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की वेबसाइट है जी, यहाँ पर आके आपने अप्लाई करना है, ठीक है जी। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो, ये तो आपको अगर आपने पहले कभी NCVT इसमें नहीं, आपने यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा अप्रेंटिसशिप का, ठीक है, यहाँ पर आप अपना अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको पूरी प्रॉपर वे में मैंने डिटेल बता दी। अप्लाई करने से पहले ये जरूर देख लीजिए, आप किसी भी नेट कैफे पर वालों के पास जाकर चेकआउट अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनकी वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन
कर सकते हो, ठीक है जी। और मेन बात कर लेते हैं इसके बारे में, जो कि मैंने आपको ऑफिशियली वेबसाइट से ये ओपन करके दिखाया है, ठीक है। ऑफिशियली वेबसाइट पर ही आपको ये मिल जाएगा। इसमें अपनी कैटेगरी के हिसाब से जरूर देख लीजिए आपके लिए पोस्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 1 फरवरी से शुरू है और 11 फरवरी लास्ट डेट है, ठीक है जी। और 11 फरवरी लास्ट डेट है, इसके बीच में ही आपकी कट ऑफ लगने वाली है। उसके बाद वैकेंसी डिक्रीज इंक्रीज विदाउट किसी नोटिस के हो सकती हैं, कम ज़्यादा हो सकती हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।